हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आज आपको नेक बॉबा बनाना सिखाऊंगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैं 80 फंदे लूँगी, 0 से 40 और 0 से 40। तो एक निडल आगे एक निडल पीछे, इस तरह से हमने फंदे लिए हुए हैं, निडल मतलब की हुई है, और इस तरह से आपको बिनना है। तो आपको इसी तरह से इसे दो पे धागा रख कर ना हम बिनते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको बिना बिनते हुए चले जाना है। लेकिन निडल जो रहेगी आपकी, एक निडल आगे एक निडल पीछे रहेगी। जैसे सारे फंदे बिन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। दो पे धागा रखना है, बिनना सिर्फ एक है, निडल आगे और पीछे करनी, एक निडल आगे एक निडल पीछे, इस तरह से। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे फंदे मैंने बिन लिए हैं। आप निडल आगे की साइड कर लेंगे, पीछे वाली निडल पीछे की साइड रहेंगी। अब निडल मैंने आगे की साइड कर ली है। अब जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ना, तो बॉर्डर से एक नंबर ज़्यादा, जैसे 6 पे बॉर्डर बनाओगे तो इसको 7 पे किया है, क्योंकि ये जो हमारा ना फोल्ड होके बनेगा, गले में जब पहना जाएगा तो टाइटनेस नहीं आनी चाहिए। 7 नंबर पे मैंने सेट किया हुआ है। अब मैं 100 सलाइयाँ लगाऊँगी। देखिए यहाँ पे 0 हैं। अब इसी तरह से कुछ नहीं करना है आपको, प्लेन प्लेन से 100 सलाई लगा देंगे। तो पूरी सलाइयाँ मैं लगा लेती हूँ, 100 फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने 100 सलाइयाँ लगा ली हैं, यहाँ पे देखिए आ रहा है। और इसके बाद जो पीछे वाली निडल है ना, उसमें हम सारे फंदे डालेंगे एक एक करके। एक तरह से ये ना आपका बॉर्डर बन रहा है। ये देखिए इस तरह से फंदा उठाया, और पीछे वाली निडल में हम डालते जाएंगे, और यहाँ से एक एक छोड़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बिना हुआ आ रहा है, एक बिना बिना। तो इस तरह से करके सारे फंदे हम डाल लेते हैं, सारे इस तरह से दोनों तरफ से आप डालोगे तो बैलेंस एकदम से आपका बराबर हो जाएगा। पीछे वाली निडल में डालना है मुझे इस तरह से। अब आप फंदे डाल लीजिए, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे ये बिना हुआ है, ठीक है, एक पीछे वाले इसमें डाल दे, फिर एक बिना हुआ यहाँ पर आया, और ये वाला, ये देखिए वो जो पीछे वाला है ना, वो पीछे वाले में डालना है। ये जो बिना बिना आता है हमारा, लाइन सी आ रही है ये चीज़, तो आप ये इसको पीछे वाले में डालेंगे। बस इस तरह से सारे फंदे डाल लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। और एक चीज़ ये याद रखनी है आपको, ये देखिए इस तरह से उठा के डालोगे, वरना फिर क्या होगा, आपका होल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं भूल गई थी, ये इस तरह से उठा के डालना है आपको, ठीक है, ये उठाया और ये वाला। तो इसी तरह से जो हमारा देखिए बिना बिना वाला है, इस तरह से उठाया आपने और ये वाला उठाया, डाल दिया। इस तरह सारे फंदे डाल लीजिए, फिर दिखाती हूँ। सारे फंदे डाल लिए हैं मैंने, ये देखिए। अब निडल आगे कर लेंगे, सारी निडल आगे कर ली है मैंने। अब एक सलाई लगाऊंगी। एक सलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये फंदे उतारने हैं आपको एक एक करके। कितने फंदे उतारने हैं, जैसे यहाँ पे मेरे 80 फंदे हैं, 80 फंदे हैं, तो आपको आधे फंदे यानी कि 40 फंदे, 40 फंदे आपको उतारने हैं, बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे। जितने भी आप फंदे लोगे, आधे फंदे उतारने हैं और आधे फंदे छोड़ देने हैं। तो इस तरह से आधे फंदे यानी कि 40 फंदे मैं उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए आधे फंदे उतार लिए हैं मैंने, ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया ना, इस तरह से। और फंदों को बहुत टाइट नहीं उतारना है, हल्के हाथ से उतारना है, ठीक है। उतारने के बाद अब आप यहाँ पे अपना वेट सेट कर दोगे। दो सलाइयाँ लगा,
इसके बाद फिर क्या करना है आपको, एक एक फंदा दोनों साइड से हम कम करते हुए जाना है। दो सलाई, हर दो सलाई क्या, जैसे दो सलाई चला ली, अब दोनों साइड से एक साथ कम करना है आपको, ठीक है। फिर हर दो सलाई के बाद आपको दोनों साइड से एक एक फंदा कम करना है इस तरह से। फिर ये वाला फंदा इसमें डाल के इस तरह से कम करते हुए जाना है। तो इसी तरह से जब आपकी दो सलाई कंप्लीट हो जाएंगी, फंदा कम करते हुए जाओगे, यहाँ लास्ट में बता दूंगी आपको, इसी तरह से जब तक सारे फंदे हमारे मतलब कम ना हो जाए, तो इसी तरह से आपको कम करते हुए जाना है हर दो सलाई के बाद, ठीक है। तो इसी तरह से मैं कम कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। हर इस तरह से फंदे कम करते हुए चले आए, दोनों साइड से करना है आपको हर दो सलाई के बाद लास्ट में। तो एक साइड आपको क्या करना है, आधे फंदे आपको उतार देने हैं और एक साइड इस तरह से आप कम करते हुए चले जाओगे। तो आपका ये वॉर्म बन के तैयार हो गया, बस आपको इसको सिलना है। अब जैसे 7 नंबर पे रखा है, अगर आपको लग रहा है कि टाइट हो रहा है तो इसको आप 8 नंबर पे भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से आपका नेक वार्मर बनेगा। और ये देखिए आपको जैसे आप बॉर्डर सिलते हो ना, पहले अंदर का साइड सिलना है, फिर आपको बाहर का साइड सिलना है, इस तरह से करके। तो मैं सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए इस तरह से ये आपको लेना है, ऐसे करके ये जो धागा एक्स्ट्रा है इसको आप अंदर डाल दो। तो पहले मैं पूरा जैसे इसको सिलूंगी, ठीक है, अंदर वाली पट्टी को फिर बाहर वाली पट्टी को इस तरह से मिला के सिलना है, पहले अंदर वाली फिर बाहर वाली। जैसे आप डबल बॉर्डर सिलते हो बिल्कुल वैसे ही आपको सिलना है। तो मैं आप सिल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है, और ये देखिए आप इसको इस तरह से फोल्ड करके पहनेंगे। तो जैसे ये जो सलाइयाँ मैंने 100 बताई हैं, अगर आपको ये ज़्यादा चाहिए अपने गले के हिसाब से तो आप ज़्यादा सलाइयाँ भी लगा सकते हो। तो ये फोल्ड करके इस तरह से आपका पहना जाएगा। तो ये जो साइज है मेरा बच्चे के लिए है, ये आपका 6 महीने के बच्चे का आपका आराम से आ जाएगा। और अगर आपको बड़ा साइज बनाना है तो आपको उसी हिसाब से फंदे जो हैं वो ज़्यादा रखने पड़ेंगे। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।